हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस गिवन गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन सो द सेज दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ नॉन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की वो दिए गए चार ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करती है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेम्परेचर सेकंड ऑप्शन हमें दिया है प्रेशर थर्ड ऑप्शन हमारा है वॉल्यूम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस तो हमें इस क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करना है प्रॉपर आंसर तो अब हम सबसे पहले की कंसेप्ट देखेंगे की कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑल द एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल तो हमने की कंसेप्ट में क्या लिखा है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो सभी का सम होता है मतलब मोलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी रहती है वो सभी का सम मतलब हम इंटरनल एनर्जी को कंसिडर करते हैं अब हम बोल सकते है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होता है एनी टू थर्मोडाइनमिक वेरिएबल का अब क्या होते हैं सबसे पहले हम वेरिएबल्स देख लेते हैं तो थर्मोडायमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे प्रेशर तो प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं देन वॉल्यूम एंड देन टेम्परेचर तो ये होते हैं हमारे थर्मोजाइनमिक वेरिएबल्स तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी is a function internal energy is a function of any two variable any two variables मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास तीन थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इनमें से कोई भी दो का सम मतलब आ, या फंक्शन हम बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एनी टू वेरिएबल्स मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट की जाती है यू से और फंक्शन ऑफ एनी टू वेरिएबल्स तो कोई भी दो वेरिएबल जैसे हम प्रेशर और वॉल्यूम ले सकते हैं या ये किसके इक्वल होगा फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर या थर्ड टाइप हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन शो कर सकते हैं अब इंटरनल एनर्जी ऑफ नॉन आइडियल गैस पूछा है हमें तो वो किस पर डिपेंड करेगी टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम क्योंकि हमने क्या बताया यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है फंक्शन है कोई भी दो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो टेम्परेचर भी करेक्ट आंसर है प्रेशर भी करेक्ट है वॉल्यूम भी करेक्ट है इसीलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ नॉन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दिस दैट इज टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम होप यू अंडरस्टूड इ ट्वेल्थ बेस्ट ऑफ लक